पाक को मिनी पाकिस्तान मानते हैं? आप मानते होंगे, मैं नहीं मानता। हिंदुस्तान का हिस्सा है जी, और मिनी पाकिस्तान आप लोग मानते हैं, आपके चैनल मानते होंगे, मैं नहीं मानता। सुनिए, मैंने आप ज्यादा सवाल नहीं किया। कपिल मिश्रा है, यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं अमनतुल्ला खान, उनके खिलाफ क्या है लोगों में जब आप जनता से मिल जाएं? मैंने अभी आपसे एक बात कही, वो मेरा छोटा है जी, उससे मुझे कंपेयर मत कीजिए। कपिल मिश्रा जैसे आदमी इस देश में गंदगी फैलाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में, मैं हूँ कमल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला विधानसभा क्षेत्र में। ओखला विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता अमनतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं परवेज हाशमी। हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले परवेज हाशमी साहब, आप ये बताइए कि आप 4 बार विधायक रहे, तो 2020 विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक रिस्पॉन्स का सवाल है, मैं इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ हाईकमान के आदेश पर, अपनी जनता के प्यार में, उनके कहने पर लड़ रहा हूँ, लिहाजा रिस्पॉन्स की कोई कमी नहीं है। तो परवेज हाशमी साहब, एक सवाल ये है कि ओखला विधानसभा क्षेत्र एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद आंदोलन का एक केंद्र बन गया, तो आपको क्या लगता है कि 2020 विधानसभा चुनाव में एनआरसी का मुद्दा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी मुद्दा है? देखिए, हर तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कमर तोड़, और जो जनता जिस तरह से त्रस्त है, परेशान है, उसको डाइवर्ट करने के लिए सीए, एनआरसी और एनपीआर लाया गया है जी। कि लोग भूल जाएं कि महंगाई कहाँ है, फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हो रही हैं, बेरोजगार नौजवान क्यों हो रहा है, उनको मुद्दे से भटकाने के लिए किया गया है। कांग्रेस इस चीज़ को समझते हुए पूरी तरह से एनआरसी के, सीए के, एनपीआर के अगेंस्ट है। हमारी सारी स्टेट्स वहाँ रेजोल्यूशन पास करेंगे, हम इसको सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह नोटबंदी की थी, उसी तरह ये मुद्दे लाए गए। और आज यूरोपियन यूनियन ने भी अपने इनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया, गवर्नमेंट के खिलाफ, ये गलत किया इन्होंने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप जब लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या जो आप बोल रहे हैं कि एनआरसी का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 15 साल नहीं विकास किया, मैंने विकास किया उसको इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, मैं चुनाव उसमें लड़ रहा हूँ, शीला जी के कार्यक्रम को आज तक आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर एनआरसी मुद्दा नहीं है? दोनों मुद्दे हैं, आप गलत कह रहे हैं। एनआरसी मुद्दा बीजेपी के खिलाफ है और विकास मुद्दा केजरीवाल के खिलाफ है। मैं चुनाव या किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, न कैंडिडेट को मैं उसमें समझता हूँ। जो मुद्दा होता है तो पार्टी के बड़े लीडरों का होता है। केजरीवाल का विकास झूठा, खोखले वादे, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, और बीजेपी के खिलाफ इसलिए लड़ रहा हूँ कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, फैक्ट्रियों का बंद होना, लड़कों का बेरोजगार होना, स्टूडेंट्स का के ऊपर जो जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो आप, एक सवाल ये है कि आप जिस ओखला विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं अमनतुल्ला खान, उनके खिलाफ क्या है लोगों में जब आप जनता से मिल जाएं? मैंने अभी आपसे एक बात कही, वो मेरा छोटा है जी, उससे मुझे कंपेयर मत कीजिए। मेरा छोटा है, छोटा भाई है, बेटा है, मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ जी। मैं लड़ रहा हूँ केजरीवाल के खिलाफ, जो मुझसे जूनियर है। तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया कि सेकंड बार का एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गया। तो फिर आपको नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? मेरी बात नहीं समझे, यहाँ मुद्दा ज्यादा है, यहाँ की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। तो आप अमनतुल्ला खान के खिलाफ नहीं? मैं बीजेपी के खिलाफ, मैं अमानत के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने कहा मेरा छोटा है वो, मेरी लड़ाई आपसे मैंने पहले भी कहा, आप उसको बिला वजह डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को, कि मेरी लड़ाई केजरीवाल से स्टेट के अंदर है और सेंटर के अंदर भाजपा से है, और इस सवाल को दोबारा मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि शाहीन बाग को लेकर काफ़ी चर्चा है, आप शाहीन बाग गए? देखिए, मैं दूसरी चीज़ ये कि शाहीन बाग का मेरा समर्थन जैसे पार्टी का है, तो मेरा भी समर्थन वहाँ है, क्यों नहीं, बिल्कुल समर्थन है। जब हमारी पार्टी का तो हमारा भी है, उनके इशू को, इशू गलत है, देश को एक रखना, सेकुलरिज्म का, संविधान की रक्षा करना, कांग्रेस जिस संविधान पे बनी, जिस संविधान को लेके चल रही है, उस पर हम कायम और आगे तक लड़ते रहेंगे। अच्छा, ओखला का सबसे बड़ी समस्या क्या है ओखला में विधानसभा? ओखला की जनता बताएगी जो मुझे चुनाव लड़ा रही है।
तो चार बार आप विधायक रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि चार बार जो आदमी विधायक रहता है तो उसमें कुछ होता है जो जनता उसे चुनती है। तो ये ओखला की जनता बताएगी कि क्या कमियां हैं, क्या वो कराना चाहते हैं और जो उनका आदेश होगा उसका पालन करें। तब जीत कराइएगा तो कौन से वो वादे हैं जो आप कीजिए? मैंने आपसे कहा ना, जो जनता मुझसे कहेगी, जो जनता मुझसे चाहेगी वो मैं। तो आप क्या बता रहे हैं आखिर, जनता आपको क्यों चुने? आप जनता से पूछिए ना क्यों चुने, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जा रहे हैं तो बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझसे मत पूछिए कि जनता मुझे क्यों चुने, आप जनता से पूछिए कि वो मुझे क्यों चुने। आपका भी तो कोई मैनिफेस्टो होगा ना जिसमें? मेरा मैनिफेस्टो ये है कि जिस तरह से विकास रुका हुआ है, जनता के कहने पे जो यहाँ का विकास रुका उसे मैं पूरा करूँगा। शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान मानते हैं आप? मानते होंगे, मैं नहीं मानता। हिंदुस्तान का हिस्सा है जी, और मिनी पाकिस्तान आप लोग मानते हैं, आपके चैनल मानते होंगे, मैं नहीं मानता। सुनिए, मैंने आप ज्यादा सवाल नहीं किया। कपिल मिश्रा है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कपिल मिश्रा जैसे आदमी इस देश में गंदगी फैलाते हैं और इसीलिए उनके खिलाफ FIR हुई है, मेरे खिलाफ नहीं हुई। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का पार्ट है। मिनी पाकिस्तान कपिल मिश्रा के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए हिंदुस्तान का हिस्सा है, देश के अंदर है। तो फिर इस तरह का क्यों बोला जाता है कि हम 8 तारीख को हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, कितना सही आपको लगता है? क्या नहीं लगता है कि ये देश में, ये इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बातें इनके नेता करते हैं। ये छुटभैया नेता जो पैदा हो गए आजकल, जिनको पॉलिटिक्स पता ही नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं, कोई समझदार लेटर इस तरह की बात नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है? बिल्कुल भटकाना चाहती है, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को। आज आदमी इतना परेशान है, त्रस्त है, किसान भूखा मर रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, महंगाई अब चरम सीमा पे है। जो मजदूर 500 रुपए कमाता था, वो 200 रुपए कमा रहा है, उसमें भी उसे काम नहीं मिल रहा है। इसको भटकाने के लिए मुद्दा लाएगा। तो आप शीला दीक्षित वाली कांग्रेस पार्टी और जो उनके अंतर्गत कार्यकाल में जो विकास हुआ, वो दिल्ली आप वापस बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, उसको वापस बनाएंगे, वही दिल्ली देंगे लोगों को, गंदगी से साफ सुथरी, अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी बस। एक बस आज तक केजरीवाल नहीं लाए हमारे शीला जी के हटने के बाद, कोई नया फ्लावर इस तरह का नहीं था जो पाइपलाइन में था, वही पूरे सिग्नेचर ब्रिज का काफी जिक्र कर रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज ड्रीम प्रोजेक्ट था शीला जी का, केजरीवाल का नहीं था। फीता काटे सिर्फ? फीता तो कोई भी काट देगा यार, मेरे टाइम में शुरू हुआ था जब मैं मिनिस्टर था PWD। अब हम लोग हट गए, उन्होंने फीता काट दिया, आज केजरीवाल हट जाएंगे, मैं आ जाऊंगा तो मैं फीता काटूंगा। ये तो प्रोसेस है गवर्नमेंट। अच्छा, एक सवाल आखिरी ये पूछना यार, अब इतना सवाल मत पूछो, मैं बात एक सवाल एक पूछना चाहूँगा कि शाहीन बाग को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, दो महीने से, एक महीने से, क्या आपको नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं उनको जाना चाहिए? 100% जिम्मेदारी उनकी है, लोगों से बात करते, उन्हें समझाते, अगर उसमें कोई कमी है तो अगर उसे बताते कि भाई ये कमी है, आप ऐसे कर रहे हैं, इसमें ये है। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, NPR हमारे टाइम में भी बताऊंगा मैं क्यों नहीं हुआ। तो आप लोग का फिर क्या सहयोग है इसमें वहाँ की जनता के लिए? हमारी जनता का सहयोग नहीं है, हमारी जनता का उनको इस इशू पे जो डिफरेंट इशूज को लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो वो कर रहे हैं, उसमें हमारा पार्टी का हमारा समर्थन है तो हमारा भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप यार कैसा आखिरी सवाल हो गया, एक आखिरी सवाल कि आप लोग पे ये आरोप लग रहा है कि आप लोग उन ताकत के साथ खड़े थे जो देश को तोड़ने का काम करते, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ तो भाजपा के नेता खड़े थे। एक नेता का नाम बता दीजिए जो आज़ादी की लड़ाई में साथ रहा, उन लोगों के साथ खड़े थे जो देश को तोड़ने के लिए और देश को तबाह करने के लिए आए हुए थे बाहर से। कैमरा पर्सन निखिल के साथ कमल नयन HCN न्यूज़।